मैं सीताराम गुर्जर। आज मेरे नए YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल का नाम है सीताराम गुर्जर F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से चैनल है। आज हम आपको एक नए चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। कस्टमर, गेस्ट, क्लाइंट, टूरिस्ट, कोई भी, जब इंटर से लेके CEO करने तक की बातें के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। कोई भी कस्टमर फर्स्टेड आता है तो उसको रिसीव करने के लिए रिसीव करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनको गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, उनको बोलना चाहिए। कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए, उसको हंसमुख होके उसको रिसीव करना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कस्टमर को कि मेरे आने से यहाँ का स्टाफ खुश है। तो ऐसा फील होने पर उनको गेट खोलिए, उनको अंदर लेके आइए। फिर उन्हीं कस्टमर से हमें ये पूछना चाहिए कि हाउ मनी पर्सन, आप कितने मेंबर है, 4 मेंबर है तो 4 की सीटिंग पे ले जाइए, 6 मेंबर है 6 की सीटिंग पे ले जाइए, 8 मेंबर है 8 मेंबर की सीटिंग पे ले जाइए। उनको आराम से बैठने के बाद में उनको पानी के बारे में पूछिए, पानी में कौन सा मिनरल वाटर लेंगे, फिल्टर वाटर लेंगे या हमारा रेगुलर वाटर लेंगे। रेगुलर वाटर आजकल सभी जगह गवर्नमेंट की तरफ से FSI का जो लाइसेंस मिलता है वो RO पे मिलता है। सभी कंपनियों में, सभी रेस्टोरेंटों में, होटलों में, बारों में, क्लबों में, बारबेक्यू में, सब जगह आपको पानी की सप्लाई है जो RO के थ्रू मिलती है, RO लगा हुआ है। अगर कस्टमर हमें परमिशन देता है कि हमें रेगुलर वाटर चाहिए तो हमें RO का वाटर सर्व करना चाहिए। हमें बोलता है कि पैक्ड वाटर देना है तो पैकिंग वाटर, मिनरल वाटर जो भी है हमारे पास उसको सर्व करना चाहिए। उसके बाद में हम उनको मेन्यू सर्व करते हैं। कस्टमर को मेन्यू देने के बाद में हमें, जैसे ही हमारा स्टाफ जो खड़ा रहता है, जो हमारा ऑर्डर टेकर रहता है, जो कैप्टन रहता है, जो फ्लोर मैनेजर रहता है या हमारा सर्विस स्टाफ रहता है, कैजुअल ट्रेनी जो भी अवेलेबल प्रेजेंटेशन जो देता है फ्लोर पे, जो आदमी स्टाफ रहता है, उसको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर का इशारा कब किस ओर है। कस्टमर का जैसे ही हमारी तरफ इशारा होता है तो हमें कस्टमर को सबसे पहले वेलकम ड्रिंक्स के बारे में बताना चाहिए। कस्टमर ऑर्डर करे या नहीं करे, हमारा काम है सेल्स का, तो हमें कस्टमर से पूछना चाहिए अक्सर वेलकम ड्रिंक में क्या लेंगे, जलजीरा लेंगे, छाछ लेंगे, असोर्टेड ड्रिंक लेंगे, मॉकटेल्स लेंगे, शेक लेंगे, जो भी कस्टमर एज यू लाइक, एज पर चॉइस, उनकी चॉइस के अनुसार। फिर उसके बाद में चैप्टर आता है सूप और स्नैक्स का, तो हमें कस्टमर से पूछना चाहिए आप हॉट एंड कोल्ड में क्या लेंगे सर। हॉट एंड कोल्ड में जैसे हॉट के अंदर जैसे सारे सूप आते हैं, सूप में जैसे इंडियन सूप आते हैं, कोंटी के आते हैं, चाइनीज आते हैं, जितने भी सूप आते हैं, तो हॉट जो गर्म सूप आते हैं उनके बारे में उनसे पूछना चाहिए। या कोल्ड में लेना चाहते हैं तो कोल्ड में भी हमें उनसे पूछना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जैसे एक दो सूप के मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे दाल का शोरबा हो गया, टमाटर धनिया का शोरबा हो गया, होटन शोर हो गया, वेज हो गया, वेज क्लियर हो गया, मशरूम हो गया, जो भी है एज पर चॉइस, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो कस्टमर की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग उनसे ऑर्डर लेना चाहिए। उसके बाद में हमें स्नैक्स का ऑर्डर लेना चाहिए। स्नैक्स में जैसे इंडियन स्नैक्स लेना है या चाइनीज स्नैक्स लेना है या पोंटी का लेना है, थाई का लेना है, इटालियन लेना है या मैक्सिकन फूड लेना है उनको, तो उसके स्टार्टर का ऑर्डर लेना चाहिए। स्टार्टर स्नैक्स एक ही बात है, दोनों में से एक ऑर्डर होने के बाद में उनको पहले हमने वेलकम ड्रिंक्स दिया, उसके बाद में हमने सूप दिया, फिर उनको स्नैक्स सर्व किया। अब बारी आ जाती है हमारी मेन कोर्स की, मेन कोर्स लंच या डिनर जो भी हो, मेन कोर्स आता है। मेन कोर्स में हमें रायता, सलाद और सब्जियां, राइस, पुलाव और पापड़ और यहाँ तक कि ब्रेड तक का ऑर्डर साथ में लेना चाहिए। उसके बाद में आराम से कस्टमर का खाना होने के बाद में रनिंग में भी हमें पूछताछ करनी चाहिए, खाना कैसा लगा उसके बारे में भी हमें पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद में डेजर्ट का नंबर आता है, स्वीट्स का नंबर आता है, आइसक्रीम का नंबर आता है, कस्टमर की चॉइस है, स्वीट खाना है तो स्वीट का ऑर्डर लीजिए, स्वीट के बारे में बताइए, जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, राजभोग है, जो भी स्वीट, बंगाली स्वीट्स है, जो भी लेना चाहता है। उसके बाद में जैसे आइसक्रीम में, डेजर्ट में कुछ आइसक्रीम में लेना चाहता है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, केसर, पिस्ता, बटर स्कॉच, या फिर इनको छोड़ के अदर्स स्वीट्स में लेना चाहता है, डेजर्ट में लेना चाहता है, जैसे संडे हो गया, ओरियो संडे हो गया, वनीला हो गया, सिंगल संडे है, डबल संडे है, ट्रिपल संडे है, ये लेना चाहता है। उसके बाद में लास्ट जो टाइम जो आता है, लास्ट मोमेंट जो बचता है,
ओनली माउथ फ्रेशनर का बचता है, उनका हमें सौंफ मिश्री देनी पड़ती है। सौंफ मिश्री देने के बाद में कस्टमर हमसे बिल मांगता है, तो कई कस्टमर बिन जब तक हमें बिल नहीं देना जब तक कस्टमर हमें बोले नहीं, और क्लियरेंस करते वक्त भी हमें ध्यान रखना होता है। ये एक छोटा सा चैप्टर रह गया, इसके लिए सॉरी। ये इसमें हमें फिंगर बोल भी देनी पड़ती है बीच में, उसके बाद में हमें डेजर्ट के लिए पूछना पड़ता है, उसके लास्ट मोमेंट जो होता है डेजर्ट के बाद में माउथ फ्रेशनर का रहता है। उसके बाद में लास्ट जो आपको बताया मैंने बिलिंग का चैप्टर आता है, बिलिंग क्लियर होने के बाद में हमारा स्टाफ उस कस्टमर को, क्लाइंट को, उस टूरिस्ट को अब गेट तक उसको सीओप करके आना चाहिए, जहाँ तक उसकी गाड़ी है वहाँ तक। ये सबसे बेटर तरीका है कस्टमर को वेलकम इंटर कराने से लेके आउट तक, इनसे आउट तक। ये हमारा आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। थैंक यू एंड गुड लक। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक।